गुड मॉर्निंग क्लास 10th. टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. प्लीज रीड द क्वेश्चन. फाइंड द रूट्स ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करना है ना. ओके बेटा बोलो. 2x + 3x + 3 = 0. इक्वेशन में जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है. ये हमको दिया गया है y बीटा रूट्स आर इक्वल. Roots are equal. We have given it. तो जब roots are equal है, तो that's why discriminant d is equal to कितना होगा? Zero. आपको दोनों से मालूम होना चाहिए. अगर discriminant zero होता है, तो roots equal होते हैं. और अगर roots equal होंगे, तो discriminant zero होगा. ये एक प्रकार का formula है अपने. और real roots होंगे, क्योंकि real roots कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 0. जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है तो रूट्स रियल होते हैं, मतलब वास्तविक होते हैं. और अगर एग्जैक्टली डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स दोनों इक्वल होते हैं. तो रियल रूट्स कब नहीं होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आंसर हो, -2 -5 -7, क्योंकि ये सभी नंबर माइनस के जो नंबर होते हैं वो 0 से लेस होते हैं. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर. अब हम स्टार्ट करते हैं. जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, वी विल कंपेयर बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0. ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0. Then we have a is equal to, अब हम से quadratic equation ax² + bx + c से compare कर रहे हैं. तो यहाँ x² का coefficient a, x² का coefficient क्या है? 2. Then a is equal to 2. इस तरह से हम compare करते हैं. And b is equal to k, and c is equal to constant value होती है जो है जल्दी 3. अगर माइनस 3 होगा तो हम माइनस 3 लिखते हैं साइन के साथ. तो हमको एबीसी की वैल्यू मिल गई. अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमको के की वैल्यू फाइंड करना है. एबीसी हमारे पास है और हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac. अब हम a b और c की वैल्यू लिखेंगे तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 है, क्योंकि अल्फा बीटा इक्वल रूल्स हमको क्वेश्चन में दिए गए हैं, जिसके कारण हमें पता लगा है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा. b की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा? k. तो हमने डायरेक्ट लिख दिया b = k नहीं लिखा मैंने, b = k. गॉट इट? देन k² - 4 * a = 2, c = 3. देन 0 = k² और 4 * 8 = 24 - 24. नाउ -24 will go there, it will become +24. Then k² = 24. अब हम दोनों का स्क्वायर रूट ले लें. On taking square root. हमने एट्थ में पढ़ लिया स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हट जाएगा और ये हो जाएगा k, और ये स्क्वायर रूट में 24. अब अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो मान लीजिए 4 6 24, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? 2. तो 2√6 आ गया समझ में. आप इसको फैक्टर करके भी लिख सकते हैं, तो भी आंसर आपका 2√6 ही आएगा. प्लस माइनस ये बात आपने अच्छी याद दिलाई, दैट इज +(2√6). ये आपकी k की वैल्यू आ गई. इसी तरह आपका सेकंड क्वेश्चन भी होगा. मैंने समझाया था, लेकिन मैं एक बार और आपको समझा देता हूं, क्योंकि उसमें रूट है. बहुत सारे बच्चे रूट देखकर घबरा जाते हैं. आपको एस पर
एक्सटेंड नहीं करना है। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो बेटा सेकंड का kx into x minus 2 plus x is equal to kx in whole into x minus 2 plus x plus x is equal to 0। पहले हम kx का इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगी इसकी, है ना। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ले मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। देन kx मल्टीप्लाई बाय x is equal to kx square माइनस kx मल्टीप्लाई बाय माइनस टी माइनस टू के एक्स एंड प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सेम प्रोसेस कंपेयर करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ऑन कंपेयरिंग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। Then a is equal to a, है ना बेटा, समझ में आ रहा सबको। b is equal to minus 2a, b is equal to minus 2a and c is equal to 6, c is equal to 0। अच्छा इसमें भी एक बात ध्यान रखना आपको, वी नो ये आपको मालूम होना चाहिए, आप वी हैव अल्फा इज इक्वल टू बीटा, सो देयरफॉर d इज इक्वल टू 0, ये आपको लिखना ही है, समझ में आया ना आपको, ये पढ़ना है ना बेटे। We know alpha is equal to beta, so that's why d is equal to zero. ये आपको बिल्कुल लिखना must. Then using discriminant d is equal to b square minus 4ac. समझ में आ रहा पूरी क्लास को? Yes sir. Discriminant is equal to zero. और discriminant zero क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है alpha और beta is equal है। तो ये हमको मालूम है कि जब अल्फा और बीटा रूट इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। बी इक्वल टू माइनस टू के, देन माइनस टू के होल स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू के एंड सी इज इक्वल टू सिक्स, देन जीरो इज इक्वल टू माइनस टू माइनस प्लस टू टू द फोर के स्क्वायर माइनस फोर सिक्स ट्वेंटी फोर के, राइट। माइनस 24 के विल गो देयर, बराबर। देन 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 के। अब ये के स्क्वायर मतलब क्या होता है बेटा? के मल्टीप्लाई बाय मतलब 2 टाइम के, है ना। अपन इसको फैक्टर में लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। सपोज कीजिए के 4 मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय के इज इक्वल टू 24 के, तो 1 के से 1 के हम डायरेक्ट अपन मल्टीप्लाई से तो लाइन में डिवाइड में होगा ना, जैसा दिया अपन 4 को लेकर आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ये k तो यही रहने देते हैं, k is equal to और ये 4 को हम इधर ले आते हैं, 24 divide by 4 बन जा 4, 4 6 जा, then k is equal to 6, आ गया समझ में, k is equal to 6, clear है? कोई doubt है किसी student को? तो इस तरह हमने question number 7 का first और second यहाँ पर समझ लिया है, आया पूरी क्लास को समझ में। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ हम करते हैं और दे आर वेरी सिंपल, थर्ड एंड फोर्थ लास्ट क्वेश्चन आप फिस एक्सरसाइज, यस क्वेश्चन नंबर फाइव, अच्छा फाइव तक है, ठीक है, ओके चलिए। Now we start question number third. Please बेटा आप सब बुक में रीड करें, क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। चलिए बेटे क्वेश्चन पढ़िए प्लीज। इफ इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मोनोग्राफ व्हिच लेंथ इज 5 एक्सप्लेन इन द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये बताना है बेटे कि क्या किसी रेक्टेंगुलर के लिए ये पॉसिबल है कि उसकी जो लेंथ है वो उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से दुगनी हो और उसका एरिया 800 स्क्वायर मीटर हो। तो अब हम देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं, इसको करके देखना। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपको उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करके बताना है। दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो वी हैव गिवन in a rectangle
रेक्टेंगुलर मेनोलोगो। अच्छा जो भी आप लिख लेंगे राइट। लेट बी का मान लेते हैं पहले, बी इज इक्वल टू एक्स बीटा, ठीक है, क्योंकि ये लिख लेते हैं। सो देयरफॉर लेंथ विल बी 2x, क्योंकि लेंथ तो उसकी दुगनी है, ये आपको बता रहा है। अब हम जानते हैं वी नो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बराबर। देन लेंथ वी हैव 2x इनटू ब्रीथ वी हैव x इज इक्वल टू 800, देन 2x इनटू x इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाय 2 × 2 = 8, 2 × 0 = 0, 2 × 0 = 0. So x square is equal to 400. And now, on taking square root, so therefore, x square ka square root x is equal to 400 per square root. Then x is equal to 20 meters. ये क्या आ गया आपका एक्स, क्या था आपके पास ब्रीथ, ठीक है। एंड सो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 2x, 2x मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 440 मीटर्स। तो ये आपकी ब्रीथ का लेंथ होगी, 40 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 800। तो यस इट इज पॉसिबल कि हाँ ऐसा रेक्टेंगुलर हो सकता है जिसकी ब्रेथ जो है वो 20 मीटर हो और लेंथ 40, और लेंथ और ब्रेथ दोनों डिफरेंट है, मतलब वो रेक्टेंगुलर होगा 100%। तो यस इट इज पॉसिबल, यस इट्स पॉसिबल। बोलो आया समझ में आपको, ठीक है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।